वो भाई क्या ये रोड से हम लोग आए थे, ये रोड से ऐसे ऐसे घूम घूम के, गजब की जगह है, गजब की, अमेजिंग। फाइनली हम दोनों जो है ना फोर्ट तक पहुंच गए हैं। सामने है मेरे फोर्ट, चलिए आपको चल के दिखाते हैं, बने रहना। सबसे पहले ये कोई कुंड पड़ता है जहाँ इनके हाथी वगैरह पानी पिया करते थे, रानी दुर्गावती के। और ये फोर्ट की दीवार चूने पत्थर से, कुछ एंट्री। यहाँ पे हाथी घोड़े वगैरह वगैरह कैसे आते होंगे। लुक एट द व्यू, क्या है गाइस, ये कितना पुराना किला, मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखा। चूने पत्थरों की दीवार है, ये कुंड बने हुए हैं, देख लो। तो अब इसके अंदर चलते हैं, एंट्री करते हैं। ओ भाई चारों तरफ से हवा आ रही है, इसमें काफी ठंडा था किले में। तो सबसे पहले यहाँ चलते हैं, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कुछ नहीं है, काई लगी हुई है और एक रास्ता ये यहाँ पे जाता है। यहाँ पे चलते हैं, ये क्या है, भूल वाला ये टाइप है गाई से पूरा। ये तो खोला हुआ है ऊपर से, मगर यहाँ रानियाँ राजा वगैरह रहा करते थे किले में। काफी पुराना किला है और किले का कर्मचारी ये घूम रहा हमारे साथ। उस टाइम पे भी ये घूमा घूमा करता था, जो कि अब हम चलते हैं इस साइड को। आ जाओ, इधर को आ चुके हम। ओ भाई ये क्या है, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है। लिटरली अगर आप रात को आओगे या शाम को तो आप भूल ही जाओगे कि जाना कहाँ से है। ये भी आई थिंक वैसा ही है, सेम टू सेम। ये देख लो ऊपर जाने का कहाँ से है, आई थिंक ये भी वैसा ही है। बस यहाँ पे ये है तो इसको पैक कर दिया है। खैर अभी हम देखते हैं ऊपर कहाँ से जाया जाता है। गेट ये बचा है, ज्यादा बड़ा किला नहीं है जितना मैं सोच रहा था, उतना बड़ा किला नहीं है, ये बहुत छोटा सा किला है। जबकि गेट से, गेट इससे बड़ा था, जो महल का जो गेट था ना, गेट इससे बड़ा था, किले से बड़ा था। सिंग्रामपुर ये महाराजा का किला है, तो सिंग्रामपुर फोर्ट नाम है इसका। अगर आपको जाना हो तो गूगल पे डाल सकते हैं, सिंग्रामपुर दमोह जिले में पड़ता है ये, MP 34 में, दमोह में, जबलपुर के पास है। जबलपुर से 25 किलोमीटर दूर पड़ेगा ये आपको, 25 या 30 किलोमीटर। तो खैर ये था कुछ ये किला, और अभी इसके आजू बाजू जाने का, ऊपर जाने का तो मेरे को कहीं से नहीं मिला। बाकी बहुत प्यारी नक्काशी करी गई है दीवारों पे। बस इस किले में ज़्यादा कुछ था नहीं दिखाने को, आजू बाजू और दिखा देता हूँ, कुछ है नहीं। और पुराने किलों की बात यही होती है कि जितने भी साल से पड़े हों पड़े रहते हैं, कभी ख़राब नहीं होते, कभी कुछ नहीं होता। ये रास्ता ऐसा घूम के जाता है, वहीं वापस बाहर को निकल जाता है। अबे आवे। तो गाइस ये लड़का पहुंच गया ऊपर, अभी इधर जा सकता है, आराम से, गिरना नहीं। तो गाइस हाँ अब ये गाइस यहाँ जा रहा है। सही में ये लड़का कहाँ चढ़ गया, ऐसे ही वो वहां पे चढ़ रहा था बरगी डैम पे। चल पहुंचो यहां से, लेकिन गिरूंगा तो मेरी ऐसी कैसी हो जाएगी, आराम से। अबे अंदर तो जाके देखो, जगह होगी, रास्ता होगा, दरवाजा होगा, उधर अंदर जाके तो देखो। तो गाइस ये बंदा बोल रहा है हम ऊपर चढ़ तो गए बड़े एक्साइटमेंट में, अब नीचे कहाँ से उतने, उतारोगे? अबे इधर जाओ पहले फिर उतरना, यहाँ से आ जाना ना, ये रास्ता सीढ़ियाँ दिख रही हैं थोड़ी, पकड़ पकड़ के, वो पट्टी बनी है जैसे, पकड़ पकड़ के उधर चले जाओ, यहाँ से गिर जाओगे आराम से। और जब तक हम दिखाते हैं आपको यहाँ का आजू बाजू का, वो मेरे मियतरी से वीडियो बना रहा है मैं अपने Vivo V25 पर उसे। यार यहाँ ऊपर चढ़ने का नहीं है गाइस, नहीं तो मैं चढ़ के दिखाता आपको। वो तो चढ़ गया, दुबला पतला है ना, क्योंकि उसका वजन भी कम है। यहाँ कहीं पे, ओ भाई मैं गिर जाता अभी, वहाँ पे कहीं ऊपर चढ़ने का क्यों नहीं बनाया हुआ है इन्होंने। सांप की आवाज़ें यहाँ नहीं आई, यहाँ पे सांप है बस, ऑब्वियसली इतने सालों से खाली पड़ा है, हजारों सालों से। ये क्या करने लगा, ये क्या कर रहा है, ये पागल आदमी क्या कर रहा है। तो गाइस पहले इसको उतरवाते फिर दिखाते हैं आपको।
तो गाइज ये था कुछ रानी दुर्गावती का किला, और अब हम लोग यहाँ से चल रहे हैं, निकल रहे हैं मतलब, और चलेंगे हम निदान फोर्ट, उसके बीच में पड़ेगा व्यू पॉइंट मतलब सनसेट पॉइंट एंड व्यू पॉइंट दोनों, तो वहाँ चल के दिखाते हैं आपको। बहुत प्यारा लगता है, जब हम लोग आ रहे थे बट हम लोग थक गए थे क्योंकि 3 किलोमीटर ऊपर चढ़ना था वो भी ढाल पे, तो इस करके दिखा नहीं पाया। लौटते मैं दिखाते हैं आपको फोर्ट की, ये पीछे हमारे फोर्ट है, तो बाय बाय फोर्ट, मिलेंगे फिर। तो गाइज अभी हम लोग पहुंच गए हैं उस रास्ते पे जिसमें बहुत ज़्यादा ऊंचाई है, मतलब अब ढलान है, और आते वक्त ऐसे आए थे, अब जाते वक्त ऐसे जाएंगे, और ये काफ़ी पथरीला इलाका है, अगर पैर फंसा तो सीधे हम नीचे, नीचे का व्यू तो आप जानते ही हो, देख ही लिया है पहले वीडियो में। और वो जो पिकनिक आई थी वो आई थिंक चली गई है यहाँ से, कोई मेरे से बोलता कि व्लॉग वाले भैया घर नहीं जाएंगे क्या, तो भैया घर जाएंगे, हम घर ही जाएंगे अभी थोड़ी देर में, पहले कवर तो कर लेनी, तो आप ही लोग बोलोगे कुछ दिखाया खाया है नहीं यार, बस गए ये लोग घूमने। खैर ओ भैया रे, ये देखो आपको कुछ दिख रहा है क्या, नेकेड आई से मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ पेड़ ही पेड़, खैर ही खाई है, कुछ भी नहीं है। क्यों प्रखर, कुछ दिख रहा है? और बैग में हमारे स्वेटर वगैरह है, जैकेट है, ट्रैक सूट है, और लंच लेके आए थे वो वाटर बॉटल है, तो बस इतनी चीज़ें लेके आए थे क्योंकि हमको पता है घर से दूर हैं, भूख प्यास थक जाते हैं, और सर्दियों का टाइम है तो ठंड लगती है, और हम अपने घर से अभी 100 किलोमीटर दूर हैं, मतलब जहाँ हमारा होम टाउन है वहाँ से यहाँ पे हम 100 किलोमीटर दूर हैं, तो आज रैंडमली प्लान बना तो आ गए। और अभी हम दमोह में हैं, जबलपुर से भी 30 किलोमीटर दूर हैं यहाँ पे, और 20 किलोमीटर हो जाएंगे तो दमोह शहर पड़ेगा, तो खैर ज़िला तो दमोह ही लगता है ना, क्या करें। ये देखो ये व्यू पॉइंट, और यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं, देखो पन्नी वगैरह पड़ी हुई है, एक और एक गड्ढा मिल गया, तो अब यहाँ कराते हैं फोटोशूट, और फोटोज आपको देखनी हो तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर जाके देख सकते हैं। गाइस हम लोग ने करा लिया फोटोशूट, ये भाई साहब अभी भी लगे हुए हैं करने को, तो खैर बस अब हम यहाँ से निकलते हैं, और यहाँ पे जंगली जानवर भी काफी सारे हैं, बैग उठाते हैं अपना, टांगे बैग और चलते हैं यहाँ से, क्योंकि गर्मी भी काफी ज्यादा लग रही है, पता नवंबर के महीने में, लास्ट ऑफ नवंबर के महीने में, जून जुलाई और मई जैसी गर्मी लग रही है, मई जून जुलाई जैसी गर्मी लग रही है, इतने तेज हॉट गर्मी है, और हमारी तरह नीचे से कुछ लोग और भी आ रहे हैं, ये भैया लोग भी जा रहे हैं वहीं पे। खैर ये देख लो, संभल संभल के उतरना पड़ रहा है काफी ज्यादा, यहाँ गिर गए तो कमरी टूटेगी सीधी, इसलिए बहुत संभल के, और मैंने सनग्लासेस लगा रखी है क्योंकि धूप बहुत ज्यादा है, और जैसा कि मैंने बताया अभी चल रहा है लास्ट ऑफ नवंबर, और वो नीचे देख पा रहे हो आई थिंक, तो वो है फोर्ट का गेट, ये देख लो ये फोर्ट का गेट जो कि मेन गेट है, और वो जो सीढ़ियां देख रहे हो आप, ये जो सीढ़ियां हैं ये पता नहीं कहीं और जाती हैं, तो खैर हम सोच रहे थे ये सीढ़ियों पर चढ़ने की, बट अब देखते हैं अगर जा पाए तो। खैर अभी तो हम चलते हैं यहाँ से नीचे, फोर्ट का जो गेट है मेन गेट है वो दिखने लगा था, पहले हमको लगा वही फोर्ट है, बाद में पता चला वो तो गेट है, फोर्ट तो ऊपर है, तो खैर अब बस नीचे चलते हैं। ये देखो फोर्ट आ गए हम लोग, ये दिख रहा होगा आई थिंक आपको, ये फोर्ट आ गए, और यहाँ पे जितनी पब्लिक थी वो सारी जा चुकी है, तो गाइज हम लोग आ चुके हैं ये वापस फोर्ट के गेट पे, देख लो पहुँच गए हैं, ऊपर जाने में तो हालत टाइट हो गई थी, ये इधर आ गए हम लोग, और वो पिकनिक वाले लोग चले गए, और अब हम लोग भी चलते हैं, यहाँ से नहीं जाते हम लोग, यहीं से चलते हैं, तो यहीं से चल के और दिखा देते हैं आपको। बाकी ये अजीब तरीके से बनाया गया है जो भी है, एक सीढ़ी उधर जाती है, एक सीढ़ी जॉइंट में, और ये कुछ बोर्ड लगा हुआ है, देख लो ये देख लो, रामनाथ कोविंद भारतीय सम्मानीय राष्ट्रपति। यहाँ पे 500 मीटर दूर तालाब है, तो यहाँ पे अब तालाब भी और दिखा देते हैं आपको। हाँ तो बहुत एडवेंचर हो गया, संडे हो गया फन डे, और ये रहा फोर्ट का दरवाजा, ऊपर है फोर्ट, चलते हैं तालाब की तरफ, ये रहा फोर्ट का मेन दरवाजा, और इस साइड को है तालाब, तो तालाब दिखाते हैं। यही वो ऊपर भी एक फोर्ट दिख रहा है मेरे को गाइस, देख सकते हो ऊपर भी मेरे को एक फोर्ट दिख रहा है जैसे मैं देख पा रहा हूँ, और एक यहाँ पे भी ये कुछ बना हुआ है बंकर टाइप का, ये क्या है, श्री राम भगवान बजरंग बली का मंदिर है, जय जय श्री राम महाबली बजरंग बली की जय। और ये कहाँ आ गए हम, तालाब आ गए, तो गाइस हम लोग पहुंच गए तालाब, मेरे पीछे देख लो, ये काफी अच्छी चीज है, ये सीमेंट है ना कि लकड़ी है, सीमेंट का बनाया हुआ है ये, सफारी MP50 कुछ अच्छा थीम बनाई हुई है यहाँ पे घूमने के हिसाब से। तो
तो गाइस यहाँ पे मंकी वगैरह भी हैं, ये देख लो। तो गाइस अभी हम लोग बैठे थे तालाब पे, यहाँ का तालाब है, और बस अब यहाँ से निकलते हैं। तो बस अब चलते हैं यहाँ से निदान की तरफ, निदान चल के और आपको मिलते हैं बीच में सीधा वहीं पे। चढ़ने का है, पूरा ऊपर जाएंगे पूरा। ये भाई गाइस ये पूरा बाय रोड ऊपर जाने का है, और कार से ही मतलब बाइक से भी हम लोग ऊपर चलते हैं। और ये नीचे दिख रहा है पूरा सिंग्रामपुर, राजा सिंग्रामपुर की नगरी, रानी दुर्गावती के पति होंगे आई थिंक, और क्या गाइस। बस हम ऑलमोस्ट पहुंच गए, फिर घूमना है, फिर घूमना पड़ेगा। ये व्यू देखो पीछे का, और ये यहाँ से आए थे अब यहाँ को जा रहे हैं, मतलब पूरे में घुमाओ ही घुमाओ है, पूरी रोड नाप ली हम लोग ने। और अभी और ऊपर जाना है, 5 किलोमीटर का घेरा है पूरा पूरा, क्योंकि ऊंचाई पे है ना इस करके। ओए ओए जिंदगी के सही मजे तो अभी आ रहे हैं। ये व्यू पॉइंट, ऑटो आ गया है, ऑटो चढ़ा कैसे होगा। MP34 दमोह डिस्ट्रिक्ट। गाइस ये देखो क्या है, ये आपको नजर भी आ रहा है, ये रोड से हम लोग आए थे, ये रोड से ऐसे ऐसे घूम घूम के। क्या व्यू है गाइस, क्या जगह पे है, मतलब बिलीव नहीं हो रहा क्या जगह पे आ गए हम लोग, ये हमारे क्षेत्र में। और ओ भाई हम लोग रुके हुए थे पीक पे, मतलब अभी और पीक पे जाना है, अभी चलते हैं, अभी मिड ऑफ पीक पे है, चलते हैं यहाँ से। ये व्यू देख लो कितना प्यारा व्यू है, कसम से जाने को मन नहीं हो रहा है यहाँ से। ओ भाई अभी भी पीक पे नहीं पहुंचे लगता है हम, अभी और ऊपर जाना है। भैंसा घाट 2 किलोमीटर, उसको भैंसा घाट बोला जाता है, पता नहीं भैंसा क्यों बोला जाता है, बहुत बड़ा होगा इस करके भैंसा। तो गाइज निदान जाने के लिए हम लोग ने कटा लिए पर्ची, 200 रुपये दिए थे मतलब मैंने, तो 100 रुपये मेरे को मिल गए थे, मतलब 100 रुपये की पर्ची कटी है हमारी। और ये 1 किलोमीटर है, और वो उधर पे दोनों है व्यू पॉइंट है, मतलब दो। तो अब जल्दी से ये 1 किलोमीटर वाला पहले आपको चल के दिखाते हैं, फिर मिलते हैं आपको आगे। तो गाइज अब हम आ गए निदान वाटरफॉल, बट यहाँ पे वाटरफॉल तो वाटर सही नहीं है, फॉल तो छोड़ो, और यही कुछ होगा आई थिंक, दिख तो रहा है बट जाने का नहीं है। वो बोल रहे थे यहाँ से जल्दी निकल जाना, नहीं तो सनसेट नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे व्यू पॉइंट जाना। हाँ, और ये कुछ यहाँ पे डिज़ाइन है, वाटरफॉल उस तरफ नीचे है, पता नहीं अब कितना दूर होगा। तो गाइज पहुँचने ही वाले हैं, बस हम लोग थक गए हैं यार, काफ़ी सुबह से आए हुए हैं, और ये हम यहाँ पहुँच चुके हैं। ओ भाई ये क्या क्या है ये, जल्दी चलो। तो गाइस कुछ यहाँ पहुँचे हम, और ये देखो ओ भाई साहब कितना गहरा है, कितना गहरा है। तो गाइस ये था वो निदान वाटरफॉल, मतलब भेड़ाघाट जितना बड़ा नहीं है, डीप है बस इतना ही है, काफ़ी ज़्यादा बंदर हैं, मंकीस हैं यहाँ पे। खैर अब हम तो यहाँ से चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जाने का कोई सेंस नहीं बनता है, सनसेट पॉइंट देखते हैं और चलते हैं यहाँ से, बने रहना। तो गाइस ये देखो यहाँ पे सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं, ये अभी अभी बनी है, प्रखर बोल रहा है पहले तो कुछ नहीं था यहाँ पे। उनका क्या चल रहा है भाई, ये कुछ क्या चल रहा है इनका, अलग ही लेवल का। गाइस हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, अब चलते हैं सनसेट पॉइंट व्यू पॉइंट, वहाँ चल के देखते हैं और दिखाते हैं आपको, बने रहना। सीढ़ियों चढ़ने में ऐसी तैसी हो गई, फालतू में उतर के आ गए हम लोग। तो गाइस फाइनली वी हैव हियर सनसेट व्यू पॉइंट, देख लो पूरे 6 किलोमीटर दूर है यहाँ से। अच्छा यहीं का हम लोग ने व्यू देखा था, भाई साहब वर्थ है यहाँ पे आना गाइस, वर्थ है, पूरा पूरा वर्थ है। नीचे चल के दिखाता हूँ आपको, ये देखो भी
ये ऊपर ही काहे चढ़ जाता है बार बार भाई साहब, क्या जगह है वे, बस क्या ही जगह है यहाँ पे, मजा आ गया। किस किस ने सब्सक्राइब कर लिया चैनल, हाँ यहाँ से कर लीजिएगा। ओके बाय। तो गाइस ये था कुछ व्यू, सनसेट पॉइंट व्यू, जो कि अब सनसेट भी हो चुका है, अब कभी यहाँ पे रुकने का फायदा नहीं है, बस चलते हैं यहाँ से। ये था व्यू पॉइंट, सनसेट व्यू पॉइंट, सनसेट भी चला गया, अब हम लोग भी चलते हैं घर की तरफ। तो खैर, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ब्लॉग वाले भैया को। मैं मिलूंगा ऐसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।